टॉपिक डेट वी आर कवरिंग इज निकोली निकोल लाइन क्लिपिंग. इसमें क्या होता है, बाय क्रिएटिंग मोर रीजन अराउंड द क्लिप विंडो द NLN इट मीन्स निकोली निकोल एल्गोरिथम अवॉइड द मल्टीपल क्लिपिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लाइन सेगमेंट. इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन पोजीशन को कैलकुलेट करने से पहले रीजन टेस्टिंग करता है ये एल्गोरिथम और एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर देता है. Compared to the both Cohen Sutherland and Lyon-Bransky algorithm, the NLN algorithm performs the fewer comparison and division. तो इसमें क्या होता है, कितने हमारे regions होते हैं. So in NLN only the three regions need to be considered. First is P1, हमारा जो starting point होगा line का वो क्या होगा, is inside the window. नेक्स्ट क्या हो सकता है, P1 एज रीजन पे हो और P1 जो है हमारा यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉर्नर रीजन पे हो. तो ये तीन कंडीशंस इसमें होती हैं. इसके बाद इफ़ P1 लाइज इन एनी वन ऑफ द अदर सिक्स रीजन वी कैन मूव इट टू द वन ऑफ द थ्री रीजन यूजिंग द सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन. अब अगर हमारे पास क्या होगा, P1 जो है, सपोज जो विंडो है उसके टॉप ऑफ द रीजन लाई करता है, ठीक है, और हमें क्या करना है, केवल इन तीन रीजन्स को ही कंसीडर करना है. तो हम क्या करेंगे, अगर वो टॉप ऑफ द रीजन है तो उसमें काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा अपने लेफ्ट साइड कॉर्नर साइड पे, ठीक है. अदरवाइज इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन जब वाई एक्सिस के थ्रू इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो भी अपना क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, अगर वो किसी भी अदर सिक्स रीजन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, तो हमें उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इन पोजीशन पे. सबसे फर्स्ट है इन द विंडो, एज साइड पे या फिर कॉर्नर साइड पे, ठीक है. इसके बाद हमारे आते हैं केसेस. तो सपोज हमारे पास फर्स्ट केस है, इफ़ द एंड पॉइंट P1 एंड P2 आर इनसाइड द क्लिपिंग रेक्टेंगल वी सिंपली सेव द एंटायर लाइन. अगर हमारे दोनों एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इनसाइड द विंडो है, इनसाइड द विंडो यानी कुछ इस प्रकार से, तो वो क्या होगा, लाइन पूरी सेव हो जाएगी और डिस्प्ले होगी प्रॉपरली. नेक्स्ट क्या है, सेकेंड केस, इफ़ P1 इज इनसाइड द क्लिपिंग विंडो एंड P2 इज आउटसाइड. अगर P1 इनसाइड है और P2 आउटसाइड द विंडो है, P2 कहीं भी हो सकता है, या तो यहाँ या इस रीजन में, वन ऑफ द फोर रीजन, कहीं पे भी हमारा P2 हो सकता है. देन सेट अप द फोर रीजन. हमारे पास अगर इनसाइड द विंडो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम फोर रीजन कंसिडर करेंगे. वो होंगे लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम. द इंटरसेक्शन विद द एप्रोप्रिएट विंडो बाउंड्री इज देन कैरीड आउट डिपेंडिंग ऑन विच वन ऑफ द फोर रीजन, ठीक है. वन ऑफ द फोर रीजन में हमारा P2 होगा तो हम क्या करेंगे, केवल उसी रीजन को कंसिडर करेंगे, हर किसी से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालेंगे, हम केवल उसी रीजन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे. तो इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज हमारा P2 जो है कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है P2, इस साइड आउटसाइड प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप दे देंगे. इसका स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप M होगा. इस इंटरसेक्शन यहाँ से हम जब निकालेंगे तो कॉर्नर के इंटरसेक्शन से जो हमारा रीजन बनेगा उसका स्लोप हम सपोज ले लेते हैं M1, इसका रीजन हम ले लेते हैं M2, इसका रीजन ले लेते हैं M3 और ये रीजन हो जाएगा M4. तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हमारे पास रीजन की कितनी कंडीशन आएगी, चार कंडीशन आएगी. फर्स्ट कंडीशन आएगी M जो है इन बिटवीन, यानी लाइन जो है अगर लेफ्ट रीजन में होगी. लेफ्ट रीजन में कब होगी, जब M की वैल्यू जो है M1 से M4 के बीच में होगी. ये M1 है, M4 के बीच में होगी, तब हमारी लाइन यहाँ पे होगी लेफ्ट रीजन में, क्योंकि हमें रीजन ही आइडेंटिफाई करना है रीजन. सेकेंड है, अगर M की वैल्यू M1 से M2 के बीच में होगी तो वो कौन सा रीजन होगा, ये होगा टॉप रीजन. नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है इसकी, अगर M की वैल्यू जो है इन बिटवीन M2 एंड M3 हो तब वो होगा राइट साइड. और ऐसे ही हमारे पास एक कंडीशन और होगी, अगर M की वैल्यू इन बिटवीन M3 और M4 हो देन इट इज़ इन बॉटम, ओके, ठीक है. यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो यहाँ पे हमारा लाइन P2 यहाँ पे होगा पॉइंट. उसके बाद अगर इन दोनों M1 और M2 के बीच में लाई कर रही है तो वो टॉप में होगा, ऐसे ही बाकी रीजन में होगा. तो हमें क्या करना है, केवल एक रीजन से उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे लाइन का. यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से जितना भी पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी इतने पार्ट को सेव कर देंगे, ठीक है. तो ये तो हमारा निकोली निकोल की सेकेंड कंडीशन. अब हमारी जो थर्ड कंडीशन है,
थर्ड कंडीशन में क्या होता है, इफ़ पी वन इज इन द रीजन टू द लेफ्ट ऑफ द विंडो. अब पी वन का स्टार्टिंग पॉइंट अगर लेफ्ट ऑफ द विंडो है, देन वी सेट अप द फोर रीजन, लेफ्ट, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट बॉटम. दीज फोर रीजन डिटरमाइन अ यूनिक बाउंड्री फॉर द लाइन सेगमेंट. इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास P1 जो पॉइंट है आउटसाइड द विंडो है और वो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है, तो हम जो पूरी विंडो है हमारी क्लिपिंग विंडो उसको फोर रीजन में डिवाइड करेंगे. ये एक ये पॉइंट्स जो है कॉर्नर रीजन से हमारी जो है स्लोप जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट जो स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा एम वन. अगर जब यहाँ से लेफ्ट टॉप से जाएगा ये हो जाएगा एम टू, ये हो जाएगा एम थ्री और यहाँ पर हो जाएगा एम फोर. अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है तो एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है, या तो लाइन ऐसे ड्रा होगी यहाँ से होते हुए टॉप रीजन पे जाएगी, कुछ इस टाइप से लाइन होगी सपोज एक, और लाइन के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अगर वो यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो सपोज पी टू, एक था पी टू यहाँ पे सपोज, और क्या हो सकते हैं यहाँ से लेके लेफ्ट बॉटम पे एक पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे हो. तो हम उसके रीजन की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन को कैलकुलेट करेंगे. अगर स्लोप ऑफ द लाइन इन बिटवीन किसी भी रीजन होगा तो वो उस रीजन में लाई करेगा. अगर सपोज स्लोप ऑफ अ लाइन, हमारा मेन लाइन का स्लोप क्या है, एम है, इन बिटवीन एम वन एंड एम टू होगा, एम वन एंड एम टू होगा, इट मीन्स लाइन जो है हमारी लेफ्ट और लेफ्ट टॉप पे लाई कर रही है. ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट होगा, इट इज़ कंपलसरी, एंड कहाँ पे P2 का एंड रीजन आ रहा है तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन जो हमारी लेफ्ट पे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ तक लाई कर रहा है, लेफ्ट टॉप तक. नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी वैल्यू वैल्यू ऑफ स्लोप M इज इन बिटवीन M2 एंड M3, ओके, देन इट लाई बिटवीन लेफ्ट टू लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, लेफ्ट एंड राइट पे. नाउ नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, इफ एम मीन्स स्लोप ऑफ अ लाइन इज प्रेजेंट बिटवीन एम थ्री एंड एम फोर, एम थ्री एंड एम फोर के बीच में होगा, तब वहाँ से क्या होगा, लाइन लेफ्ट टू लेफ्ट बॉटम पे जाएगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ, जब लाइन M4 से मतलब M4 और M1 के बीच में होगी, तब उस लाइन को हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देंगे. डिस्कार्ड कैसे होगी, क्योंकि लाइन हमारी यहाँ से यहाँ प्रेजेंट है, मींस बाहर साइड प्रेजेंट है, तो वो केवल लेफ्ट रीजन ही होगा, तो बाहर साइड प्रेजेंट है तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, मींस यहाँ से लेके अगर किसी रीजन में प्रेजेंट है तो लाइन इज डिस्कार्डेड. नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है, केस है हमारा, नेक्स्ट केस है, इफ़ पी वन इज टू द लेफ्ट और लेफ्ट एंड अबव द क्लिप विंडो, लेफ्ट साइड है और अबव द क्लिप विंडो है, जो हमारा थर्ड केस हमने किया था, क्लिप विंडो, वी यूज द क्लिपिंग रीजन इन टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट और लेफ्ट बॉटम में हम उसको डेटा डिवाइड कर देते हैं, एंड अ यूनिक क्लिप विंडो एज फॉर द इंटरसेक्शन कैलकुलेशन. तो हम क्या करेंगे, अगर P1 हमारा इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, हमारी पोजीशन क्या थी, ये हमारी पोजीशंस थी, या तो वो इनसाइड होगा, या तो वो लेफ्ट साइड होगा, या तो वो लेफ्ट के टॉप साइड होगा, तो अब पॉइंट लेफ्ट टॉप पे स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंट है लाइन का, तो उसके जो P2 वाला पॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या तो वो M1 इस यहाँ से जो रीजन हमने कट किया यहाँ पे होगा, या तो इन रीजन्स के बीच में होगा M4. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, अगर उसका फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे है और सेकंड पॉइंट जो है इन बिटवीन दिस रीजन है, तो वो कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, लाइन, और एंड कहाँ पे होगी, टॉप राइट पे एंड होगी. नेक्स्ट लाइन, इफ़ वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट देयर, देन वी देन एंडिंग पॉइंट इज टॉप बॉटम पे भी हो सकता है, एंड एंडिंग पॉइंट इज लेफ्ट बॉटम पे भी हो सकता है. इसके अलावा और क्या कंडीशन इसमें अराइज होती है, कि ये जो साइड है वो चेंज हो जाएगा किससे, टॉप बॉटम के अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, लेफ्ट राइट रीजन भी हो सकता है उसका. ठीक है, तो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, इन रीजन्स के बीच में लाइन होगी. और इसके अलावा अगर एम फोर से M1 के बीच में कोई लाइन आती है तो उसको हम डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ऐसे इनके बीच में जो लाइन आती है उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे. अब हमने रीजन तो आइडेंटिफाई कर लिया लाइन का, कि किस रीजन में लाइन है. लाइन का रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे.
इंटरसेक्शन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सपोज वी हैव अ लाइन, यहाँ पे हमारी लाइन है जिसका जो ओरिजिन है, जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, वो लेफ्ट ऑफ द विंडो प्रेजेंट है, पी वन पॉइंट, ठीक है। अब उसका इनसाइड क्या होगा? इनसाइड होगा उसका, या तो वो डायरेक्टली इधर इधर प्रेजेंट होगी, या तो वो इसको कट करके बाहर चली जाएगी, या तो उसके टॉप में प्रेजेंट होगी, लेफ्ट टॉप में होगा, लेफ्ट बॉटम में होगा, या फिर लेफ्ट का राइट साइड में होगा। ये सब हमारी कंडीशंस थी, हमने ऑलरेडी कवर कर ली। तब हम क्या करेंगे, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक एक्स की होती है x इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन यू। नेक्स्ट जो होती है y के लिए, वाई वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन यू, ठीक है। तो सॉरी, y के लिए वाई टू माइनस वाई वन यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर वो x को इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा है, अगर लेफ्ट साइड से कट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये x को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को इंटरसेक्ट करना है मतलब हमको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट प्रेजेंट है, तो x की वैल्यू किससे हो जाएगी, एक्सचेंज xl से, और जो हमारा x2 माइनस x1 यानी कि डेल u की जो वैल्यू होती है, u की वैल्यू जो होती है, वो हो जाएगी xl माइनस x1 एंड x2 माइनस x1। इस कंडीशन के लिए, मतलब अगर वो लेफ्ट को कट कर रहा है, एक्स रीजन को कट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट की जो हमारे पास इक्वेशन होगी इंटरसेक्शन पॉइंट की, वो क्या होगी, वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, और यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यू की वैल्यू पुट करने के बाद वी गेट एक्स एल माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, अगर हमारे पास कुछ लाइन इस टाइप से प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। अगर हमारी लाइन टॉप बाउंड्री को इंटरसेक्ट करते हुए आ रही है, तब हमारे जो वाई की वैल्यू है वो वाई टी से रिप्लेस हो जाएगी, और यू जब हम फाइंड करेंगे, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टी माइनस वाई वन एंड वाई टू माइनस y1। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट की जो हमारी इक्वेशन होगी, x इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए जो हमारी इक्वेशन होगी, वो होगी x1 माइनस x2 माइनस x2 माइनस x1, एंड u की जो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, yt माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा इसमें, हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो रीजन है, हमारे पास ओनली तीन रीजन इसमें डिफाइन कर दिए गए हैं, मतलब हमें नौ रीजन्स को नहीं देखना है निकोली निकोल में, हमारे पास केवल तीन रीजन है। तीन रीजन कौन कौन से हैं, इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इज इनसाइड, इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इज लेफ्ट साइड, इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इज लेफ्ट टॉप साइड। हमें केवल इन तीन रीजन्स को देखना है, इन तीन रीजन्स को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि लाइन अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट प्रेजेंट है, अगर वो इस साइड को जा रहा है, मीन्स लेफ्ट साइड वाले हमारे इंटरसेक्शन, लेफ्ट साइड वाले लाइन को हमारे क्रॉस कर रहा है, लेफ्ट साइड वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो हम केवल लेफ्ट रीजन को लेंगे और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अगर हमारी लाइन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और राइट रीजन को लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है फाइंड कर लेंगे। ऐसे अगर हमारी लाइन टॉप रीजन को कट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, टॉप रीजन को लेंगे, बाकी रीजन को नेगलेक्ट कर देंगे और केवल उससे ही इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और लाइन को देखेंगे कि वो कहाँ पे। ऐसे ही अगर हमारा लाइन का जो पॉइंट है लेफ्ट साइड प्रेजेंट है और जो एंडिंग पॉइंट है अगर वो राइट साइड है, सपोज इस टाइप की कोई लाइन है, पी वन यहाँ पे है, पी टू यहाँ पे है, तो हमारे पास केवल दो जो है रीजन होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। तो हम केवल इनकी कैलकुलेशन करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे इनके, बाकी रीजन को हम क्या कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा निकोली निकोल एल्गोरिथम। थैंक यू।